हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बादल। मैं तो आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, थंबनेल पे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम ढोलक के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट वाले ताल जो बजाए जाते हैं और जो बहुत ही ज्यादा मजबूत ताल होते हैं और किसी भी प्रोग्राम के अंदर जान डालने वाले ताल होते हैं, वो तीन ताल मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। और वो जो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बजाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि बहुत ही ईजी पैटर्न है। बच्चे से बच्चे लोग भी इस चीज को सीख जाने वाले हैं। उस ताल के ऊपर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा ताल है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर ढोलक की एक काठ पड़ी हुई है। बहुत ही बढ़िया शाइनिंग है ढोलक के ऊपर और शीशम वुड की ढोलक है, ये लकड़ी है। अगर किसी को भी चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये अमेरिका में ये ढोलक जाने वाली है हमारे रजविंदर जी के पास, ठीक है? तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप की ढोलक चाहिए तो हमारे पास इस टाइप की ढोलक मिलती है, ठीक है? चलिए टॉपिक पे आते हैं। बहुत ही सिंपल ठेका है और करना क्या है, देखिए, इधर भी हाथ चलाना होता है और बेस पे भी हाथ चलाना होता है। पहले ये चाटी वाला हाथ क्या चल रहा है वो पहले सीख लीजिए, फिर उसके बाद जब ठेका सीखोगे ना, जल्दी ठेका सीख जाओगे आप, ठीक है? चाटी की तरफ हाथ चल क्या रहा है, देखो सिंपल है। चार गिनती का बोल बजा हुआ है। देखो, पहली उंगली को अंदर ले जाकर मारना है, एक, ठीक है? फिर नीचे की तीन उंगली को मारना है, दो, ठीक है? फिर उसके बाद पहली उंगली को मारना है, तीन। फिर उसके बाद नीचे की तीन उंगली को मारना है, चार, ठीक है? बहुत ही सिंपल बोले, देखो, एक, दो, तीन, चार, तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है? थोड़ा सा हार्ड है, समझेंगे। देखिए, एक, दो, तीन, चार। अब ये इसका साउंड अगर सही नहीं निकला तो इसका रामबाण उपाय बताने वाला हूं। पहला चीज, सबसे ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं, इसको ऐसे बजाते हैं, ऐसा साउंड आएगा। सबसे पहली गलती क्या, तो ये उंगलियों को आप लोग खोलते नहीं हो, ऐसा खोलो और हाथ की जो कलाई है ना, इसको मोड़ो, ऐसे मोड़ोगे तब जाके वो साउंड आएगा। यार ऐसे रखो और ऐसे मारना है, तीनों की उंगली देखो, ये भी किनारे पे है, ये भी किनारे पे है और ये भी किनारे पे है, तब जाके टना टना आवाज आएगा और हल्के हाथ से, ठीक है? तब आवाज आएगी अच्छी। देखो, एक, दो, फिर तीन, फिर चार। अभी चार वाला शब्द जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मैं नीचे की तीन उंगली मारता हूँ ना, इन तीन उंगलियों के नीचे गैप्स होते हैं, ये देखिए, ये ऐसा उठा हुआ रहता है, ऐसे देखिए, ऐसे चिपका दोगे तो आवाज नहीं आएगा। तीन उंगलियों को ऐसे उठाओ और ऐसे ऐसे मारो, देखो, तब जाके ऐसा साउंड आएगा, ठीक है? अब इसको बजाएंगे तो देखिए कितना सुंदर लगेगा। एक, दो, तीन, चार, 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 एक, ठीक है? अब इसके साथ जब हम बेस जोड़ेंगे तो इतना जबरदस्त ठेका बन के निकलेगा, आप देखते रह जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, जब हम एक, दो, तीन, चार बजा रहे थे तो एक के साथ आपको बेस मार देना है, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, काम खत्म। आधा ठेका आप सीख चुके हैं, फिर से देखिए, एक, दो, तीन, चार, काम खत्म, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। अब बाकी का आधा लाइन कैसे बजाना है, पांच, ठीक है? फिर छह पे ध्यान देना, छह को नीचे की तीन उंगली और बेस मारना है, छह। फिर इसके बाद सात, सात पे पहली उंगली और बेस मारना है, सात। फिर अब आठ पे नीचे की तीन उंगली मार दो, आठ, काम खत्म। पूरा ठेका आप समझ चुके हैं। आप लोग को फिर भी मेरे साथ बजाना है, देखो कैसे बजाना है। देखो, एक एक था बेस मारेंगे तो एक, दो, तीन, चार, कम कंप्लीट। पहली लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा लाइन, पांच, छह, छह पे नीचे की तीन उंगली और बेस, छह, फिर उसके बाद सात, फिर उसके बाद आठ, काम खत्म। अब इसको जब धीरे धीरे बजाएंगे, स्पीड के अंदर लेके आएंगे तो देखिए कितना सुंदर बन के निकलेगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 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 एक, दो, तीन, चार
खाली दो गिनती है। अब मान लो दो गिनती है तो फास्ट भी बजेगा, देखो कैसे बजेगा। और थकोगे भी नहीं बिल्कुल भी। कैसे बोले? घे ताता घाता घे ताता घाता घे ताता घाता घे ताता। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। घे ताता घाता गिनती से भी समझाऊंगा। एक दो तीन चार पांच छह, छह गिनती का बोले। एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह। कैसे बजाना है? देखो एक पे बेस मारना है, एक फिर दो, अब तीन पे क्या करना है, नीचे की तीन उंगली और स्लैप मारना है तीन। देखो एक के बाद रुकना भी, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर नहीं रुके तो काम खराब हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपसे बजेगा ही नहीं। एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन, तीन उंगली और स्लैप तीन। एक दो तीन चार पांच छह, अब चार पांच छह कैसे बजेगा? चार फिर पांच, पांच पे पहली उंगली और बेस, पांच फिर छह पे तीन उंगली नीचे की तीन। ठीक है, देखो एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन। ऐसे कोई कठिन चीज नहीं, आराम से बजे। भजन हो, श्याम जी के भजन हो, शिव जी के भजन हो, हर जगह आप इस ठेका को बजा सकते हैं। ठीक है, आसान ठेका था। अब इसके बाद मैं आपको एक उठान देने वाला हूं, बहुत ही सिंपल उठान है। कैसे बजेगा? ठीक है, अब देखिए बजाना कैसे है, इसको उठान कैसे बजाना, तक की ते तक की ते तक, सिंपल है। देखिए फर्स्ट फिंगर एंड स्लैप, त देन की स्लैप मारना की, देन त थ्री फिंगर त की ट, फिर एक बार और बजाएंगे त की ट, फिर त, इजी है। त की टे त की टे त, क्लियर? देखिए फर्स्ट फिंगर एंड स्लैप त की ट, फिर से त की ट, फिर ता है लास्ट में, फर्स्ट फिंगर एंड स्लैप। काम खत्म। ये तो बच्चों वाला उठान था जो कि सबको आना ही चाहिए, नहीं आता तो जरूर सीखिए। मुझे पता है आप लोग बेस वाला हाथ देखने के लिए आतुर हो रहे होंगे। देखिए फर्स्ट फिंगर एंड स्लैप त, फिर की, फिर ट, फिर से त, फिर की, फिर ट, लास्ट में त, हो गया। त की ट त की ट त, त की ट त की ट त। इसी को धीरे धीरे ठेके के साथ आप बजा के जोड़ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल उठान था, और जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और किसी को भी प्योर शीशम बोर्ड की जो ढोलक की लकड़ियां हैं, कच्चे पके शीशम की हम लोग ज़्यादातर सेल करते हैं, जो कि बजट फ्रेंडली और ऑल ओवर इंडिया में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं इस टाइप की ढोल के, और हैवी 7 to 8 kg का वजन होता है। अभी विदाउट ये कील है, कील कम से कील 2-3 kg की कील होती है, फिर उसके पूड़े का वजन होता है, रस्सी का वजन होता है, तब तो और भी बढ़ सकता है। और डिमांडेबल है, जैसा साइज चाहिए जैसा वजन चाहिए सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।